रहे हैं दैनिक रुड़की और अभी हम फिलहाल ढंडेरा में हैं कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके निवास स्थान पर उदय सिंह पुंडीर से। उनसे आज हम जानेंगे कि ये जो ढंडेरा से लेकर बालीवाला तक जो सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है उसको लेकर वह क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी क्या जानकारी है इस बारे में, आइए जानते हैं। सर, आपका दैनिक रुड़की पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो ढंडेरा से लेकर बालावाली तक सड़क बनाई जा रही है इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि 15 अगस्त को हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने जो बैलगाड़ी तिरंगा यात्रा निकाली थी उसके दबाव में आकर राज्य सरकार ने आनन फानन में ये जो बजट लैप्स हो गया था इसको रिवाइज कराया। तो रिवाइज कराने के बाद अब ये जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने कहा है कि ये जो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, हरिद्वार के सांसद हैं, उनके अथक प्रयासों के द्वारा ये सड़क बनवाई जा रही है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? पहले तो भाजपा के जो लोग हैं, भाजपा के यहाँ जो MLA हैं, भाजपा के जो MP हैं, वो ये तय कर ले कि ये किसने बनाया। पहले तो लोग बाग इसी बात से कन्फ्यूज़न में हैं कि हमारे जो माननीय विधायक जी हैं लगभग 13 महीने से निष्कासित हैं, उन्होंने कहाँ से काम करा दिया हमें समझ नहीं आ रहा। तो लोग बाग तो इसी बात से कन्फ्यूज हैं कि ये निशंक जी ने कराया या ये प्रणव जी ने कराया, पता ही नहीं लग रहा। ये तो जब हरीश रावत जी माननीय हरीश रावत जी ने यहाँ पर देखा कि कई सालों से कोई विगत कार्य नहीं हो रहा है, यहाँ पानी भर रहा है, तो उसी दिन से आपने देखा होगा गड्ढे भरने और रोडों पे पत्थर डालना उसी दिन शुरू हो गया था। दबाव में आकर ये काम किया गया। अगर ये दबाव में आकर ये काम ना किया होता तो 6 साल से सरकार क्या जग मार रही थी। ये जो सड़क का निर्माण कार्य होना है ये लगभग बताया जा रहा है 34 किलोमीटर लंबा निर्माण कार्य है चौड़ीकरण का जिसमें होना है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसमें तो बताया जा रहा है कि 20 किलोमीटर ही उसमें दर्शाया गया है जो जियो जारी हुआ है। देखिए, वैसे मैंने जियो तो पढ़ा नहीं, पर मैं ये जानता हूँ जहाँ तक मैंने देखा है कि रुड़की से 3 किलोमीटर से लेकर बालावाली तक उसमें लिखा हुआ है। अब ये कहाँ तक बनाएंगे ये जो है सरकारी डिपार्टमेंट का विषय है, वही आपको क्लियरफाई कर देंगे। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि यहाँ पर पता नहीं कितने बजट आए और कितने ही घोलमोल हो चुके, आज तक यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ। तो चलिए, ये उदय सिंह पुंडीर ने हमें बताया कि ये जो निर्माण कार्य सड़क का हो रहा है ये पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के हरीश रावत के कहने पर ही हो रहा है, उन्होंने ही सरकार पर दबाव बनाया है। और अभी हम हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं पंडित जी, इनसे भी हम जानेंगे शहर की सड़कों का बुरा हाल है। सर, शहर की अन्य सड़कों का बुरा हाल है, उसको लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे? सड़कों का ही नहीं पूरे देश का बुरा हाल है, और जिस तरीके से कोरोना इस देश को तंग कर रहा है इसी तरीके से मेरा मोदी इस देश को तंग कर रहा है। कोरोना मोदी है, बल्कि यहाँ ये सरकार इतना रहेगी देश का ही बुरा हाल रहेगा, सड़कों का क्या। हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकेश सैनी जी भी हैं, इनसे भी जान लेते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जी बस मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह अभी प्रदेश और देश में जो सरकार चल रही है, हम चाहते हैं उनको जो है सद्बुद्धि मिले। और अभी हरिद्वार में महाकुंभ होने वाला है, और महाकुंभ हमारे हिंदू संस्कृति और हिंदू धर्म में सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, और देश और प्रदेश में हिंदूवादी सरकार जो अपने आप को बताती है वो भी इस पर्व को ध्यान में रखते हुए सड़क का निर्माण अक्टूबर तक बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए था। और ये तो मुख्य मार्ग हैं, अगर मुख्य मार्ग भी ठीक नहीं है, हमारे देश विदेश और बाहर से जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, हिंदू धर्म संस्कृति को अपनाते हैं, वो लोग आएंगे, वो गड्ढों में गिर गिर कर क्या उनकी दशा होगी ये भगवान ही जाने।